हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है मिलनी थॉमसन मेथड। इस पर AKTU में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्या होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है FZ = U+IV, है ना। इसमें होगा क्या कि U दे देंगे, आपसे V पूछेंगे और FZ पूछेंगे, या V दे देंगे और आपसे U और FZ पूछ सकते हैं, ठीक है। या इस तरीके से पूछ लें कि U+V दे दें और आपसे पूछ लें कि FZ पूछ लें, या U और V की वैल्यू पूछ लें, U या V दोनों की वैल्यू पूछ लें इस तरीके से, और U-V भी दे सकते हैं। यानी चार चीज़ें दे सकते हैं, या तो U दे दें आपसे FZ और V पूछ लें, या V दे देते हैं FZ और U पूछ लें, ठीक है, या U+V दे दें और आपसे FZ पूछें, ठीक है, या U-V दे दें और FZ पूछ लें, और साथ में U और V दोनों की वैल्यू पूछ सकते हैं। इसमें भी अलग अलग और इस वाले में भी अलग अलग पूछ सकते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन FZ = U+IV इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट UX, Y गिवेन, ठीक है। और एक साथ में कंडीशन दी है FE = 1। देखिए AKTU में ये तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। FZ = क्या होता है, U+IV, ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। FZ एनालिटिक फंक्शन है, आपसे ये एनालिटिक फंक्शन पूछ रहा है, और दे क्या रखे हैं, U दे रखे हैं, यानी इसकी वैल्यू दे रखे हैं, U इज़ गिवन दिस, ठीक है। तो आपसे FZ पूछ रहे हैं, FZ पूछ रहे हैं केवल, और साथ में V भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर केवल FZ पूछा गया है, तो हम लोग FZ निकालेंगे। तो देखिए U दिया है e power x cos y - y sin y, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ∂u/∂x और ∂u/∂z/∂y निकाल के z, 0 पर दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ux मतलब ∂u/∂x, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, फंक्शन टू फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे पार्शियली, तो इसका हो जाएगा cos y प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e power x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। और हमको वैल्यू चाहिए UX @z, 0, है ना। UX मतलब ∂u/∂x, तो ∂u/∂x का z, 0 पर वैल्यू निकाल लो। तो इसका मतलब इसमें x की जगह z रख लेंगे और y की जगह 0, तो रख लो x की जगह z, तो e power z, y की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस e power z और x की जगह z इंटू cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस y 0 रखते ही 0 हो जाएगा, तो कितना हुआ e power z, और यहाँ से मिल गया आपको z, तो e power z common z+1, ठीक है। ∂u/∂x आपने निकाल लिया z, 0 पर, इसी तरीके ∂u/∂y निकालेंगे z, 0 पर। तो ∂u/∂y, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, ∂u/∂y निकालो, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सो e power x तो ऐसे कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो x एज अ कांस्टेंट cos y का हो गया -sin y, है ना, माइनस। इसमें फंक्शन टू फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो y cos y, और ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, तो -y cos y। इसको भी z, 0 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, तो UYZ, 0 इज इक्वल टू e power z, इसमें x की जगह z और y की जगह 0 रखो, तो y की जगह 0 रखते ही ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, y 0 रखते ही ये पूरा, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया, UYZ, 0 = 0, ठीक है। तो जो U या V दिए होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ∂u/∂x z, 0 पर निकालेंगे वैल्यू, और ∂u/∂y z, 0 इतने पर वैल्यू निकालने के बाद फिर अब लगाते हैं मिलनी थॉमसन मेथड। तो मिलनी थॉमसन मेथड कैसे निकलेगा, देखिए ये होता है FZ = क्या दे रखे हैं, FZ = क्या होता है, U+IV, ये एनालिटिक फंक्शन है, FZ एनालिटिक फंक्शन है, FZ क्या दिया है, U+IV, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो F-Z की वैल्यू होगी ∂u/∂x + i ∂v/∂x, देखिए F-Z की वैल्यू ये होगी ∂u/∂x + i ∂v/∂x, दोनों का x के रिस्पेक्ट में इधर डेरिवेटिव होगा, और इधर F-Z, है ना, F-Z की वैल्यू यही निकलती है ना, तो F-Z = ∂u/∂x + i ∂v/∂x,
ठीक। उसके बाद सी आर इक्वेशन यूज कर लीजिए काची रीमन इक्वेशन से, क्योंकि आपको क्या दिया है, यू दिया है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो हमारे पास है, लेकिन डेल वी अपॉन डेल एक्स नहीं है क्योंकि वी दिया नहीं है। तो काची रीमन इक्वेशन से हम डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यू के टर्म में लिख लेंगे। तो काची रीमन इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना, यहाँ यू है एक्स का तो इधर हो जाएगा वी का और वी और वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर दूसरी इक्वेशन होती है इसका, ये देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, दूसरी इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल वाई, ये पहला वाला एक्स का फिर वाई का, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू दूसरे वाले माइनस हो जाता है, माइनस इधर यू है तो इधर वी हो जाएगा, डेल वी अपॉन ये वाई है तो ये एक्स हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको याद रखना है ना, सी आर इक्वेशन तो आपको याद होनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कहाँ, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के टर्म में लिख लिया। फिर मिल्ली थॉमसन मेथड से ये तो एफ डैश जेड की वैल्यू हो गई, एफ जेड क्या होगा, एफ जेड होगा इसी को जेड कामा जीरो पर वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब यू एक्स जेड कामा जीरो, और ये माइनस बाहर आया, माइनस आई इंटू यू वाई, है ना, यू वाई यू वाई जेड कामा जीरो, है ना, जेड कामा जीरो डी जेड प्लस सी, ये चीज़ आया है मिल्ली थॉमसन मेथड से, एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन किया तो ये डायरेक्ट लिखेंगे मिल्ली थॉमसन मेथड से। तो अब कितना हुआ, देखिए यू एक्स जेड कामा जीरो ये और यू वाई जेड कामा जीरो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, तो यू जेड का यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू ई पावर जेड और जेड प्लस वन माइनस आई इंटू इसकी वैल्यू क्या आई थी, जीरो, है ना, यू वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू क्या आई है, यू वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू जीरो है और यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू ये निकली है, तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, है ना, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख लिया, तो ये तो जीरो हो गया। फिर इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो, है ना, इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर लो, या एक फार्मूला होता है इंटीग्रल यू इंटू वी, है ना, डी एक्स इक्वल टू, अब जेड के टर्म में है तो जेड लिख सकते हैं, है ना, तो ये होता है यू इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर प्लस डॉट डॉट, अल्टरनेट साइन में चलता है, डैश का मतलब डेरिवेटिव, वी वन का मतलब वी का एक बार इंटीग्रेशन, है ना, तो इससे हम लोग एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको मान लो डेरिवेटिव के लिए पॉलिनोमियल रख लो, इसको यू मान लो, तो क्या हुआ आपका, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये यू हो गया, यू इंटू वी वन, वी ये वी है, ये यू है, ये वी है, तो यू इंटू वी वन इसका इंटीग्रेशन ई पावर जेड का ई पावर जेड ही रहेगा जेड के रिस्पेक्ट में, माइनस इसका डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव यू डैश आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ वन, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ई पावर जेड का ई पावर जेड ही रहेगा प्लस सी, तो क्या ई पावर ब्रैकेट खोलोगे तो ई पावर जेड कैंसिल हो गया, तो कितना आया जेड ई पावर जेड, तो एफ जेड इक्वल टू जेड ई पावर जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो एफ जेड आपका निकल आया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है, तो हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, कंडीशन क्या दी है कि F1 इक्वल टू E, F1 इक्वल टू E दे रखे हैं, तो यहाँ Z की जगह 1 रख लो, तो F1 इक्वल टू Z की जगह 1 E पावर 1 मतलब E हो गया प्लस C, तो E प्लस C, और F1 की वैल्यू क्या दे रखे हैं E, तो E से E कैंसिल, C की वैल्यू 0 आ गई, तो C की वैल्यू 0 यहाँ रख दीजिए, तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया जेड ई पावर जेड, है ना। इस तरीके से हम लोग फंक्शन एफ जेड निकालते हैं बाय यूजिंग मिल्ली थॉमसन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अक्सर पूछते हैं कि यू दे दें और आपसे एफ जेड पूछ लें, या वी पूछ लें, या वी दे देते हैं आपसे एफ जेड पूछ लें और यू पूछ लें, ठीक है, यू प्लस वी दे देते हैं तो आपसे एफ जेड पूछा जा सकता है, यू माइनस वी दे देते हैं तो एफ जेड पूछें, तो आगे के क्वेश्चन में इन सब की चर्चा करेंगे, है ना, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।